पहनते गारमेंट एंड मेंस वेयर। शादी ब्याह के मौके पर शेरवानी, थ्री पीस, पैंट शर्ट। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खुली मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। देता हूँ मैं तुमको टाइम, जुमाता को नॉमिनेशन का है। देता हूँ मैं टाइम, चलो दो दिन का टाइम देता हूँ। चलो सब दिनी तंजीमों ने, सब शहर के सियासी लीडरान ने, सब लोगों ने मिलकर चलो मेरे को उम्मीदवार बना दो। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ, ये हमारे परिवार के साथ जातिवाद नहीं होगा, हिंदू भाई भी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। 5 से 6 कारपोरेटर 2 दिन पहले धूलिए के मेरे पास आए, अलग अलग पार्टियों के थे। उन्होंने कहा कि आसिफ भाई आप इलेक्शन लड़िए, हम इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन लड़िए। ये मैंने मेरा गणित, मेरा हिसाब बताया। बीच में मौलाना उमरान साहब, उनको भी हक है, उनको भी अधिकार है। मैंने कहा कि एक फकीर को भी अधिकार अगर उसकी वोट आती, और एक अडानी को भी अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, तो मौलाना उमरान के अलग है। अगर उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की, मीडिया में उन्होंने कहा, अगर कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया, और अगर हमने कहा कि अगर आजाद उम्मीदवार मौलाना उमरान साहब रहेंगे तो हम बिल्कुल आपके सपोर्ट करने के लिए तैयार है, पार्टी 2 नंबर पे पहले आप। क्या गलत कहा? मैं गया उनसे मिलने के लिए, जाके मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा मुझसे, हमारी चर्चा हुई, मैंने भी कुछ मशवरा दिया, उन्होंने भी कुछ बातें रखी। आप मौलाना उमरान साहब को क्या समझते हो? सिर्फ मालेगांव शहर के आलिम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी है, कम उम्र में उन्होंने क्या तहरीकें चलाई? सिर्फ हम तो यही देखते कि ट्रिपल तलाक था तो मौलाना ने तहरीक चलाई, एनआरसी हुआ तो मौलाना ने तहरीक चलाई। नहीं, जब दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, मॉब लिंचिंग हो रही थी मुसलमानों के साथ, जब चर्च तोड़े जा रहे थे यही हुकूमत के वक्त, तो मौलाना ने दलित, मुस्लिम और सभी धर्म और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेट से दलित भाइयों के साथ मिलकर वामन मिश्राम, जो बहुत बड़े दलित नेता है, उनके साथ एक मंच के ऊपर उन्होंने तहरीक चलाई थी। जाहिर सी बात है, वामन मिश्राम जो बड़े दलित नेता है, मौलाना के असर रसूख है, हो सकता वंचित का कैंडिडेट वो विड्रॉल करवा लेते, वंचित की हिमायत ले लेते, ओबीसी नेता आते उनके लिए, उनके ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं है हिंदू मुसलमान का, सिर्फ वो एक आलिम है, बस इतना ही है ना। क्यों हिंदू भाई वोट नहीं देते? उनके पास भी हिसाब बराबर था अगर एक प्लेटफॉर्म पे सब आ जाते, लेकिन उनको भी डराया गया, उनको भी नर्वस किया गया। अरे इलेक्शन में दो ही चीज होती है, या तो जीतते हैं या तो हारते हैं, हार जीत का खेल है। और अगर अल्लाह को जो मंजूर है इज्जत और जिल्लत, तो हमारा ईमान अल्लाह देता है, लेकिन उनको भी मायूस किया गया, उनको भी डराया गया, अलग अलग लोगों को भेजा गया, उनको डराने के लिए, दबाने के लिए। मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई नौजवान आलिम अगर खड़ा हो रहा है, और वो तो यार असेंबली लड़ने की थोड़ी बात कर रहे थे, अगर वो असेंबली में रहेंगे तो क्या मैं वापस हो जाऊंगा? नहीं, मैं तो असेंबली का कैंडिडेट भी हूं ना। अगर वो असेंबली की बात करते तो मैं बोलता था, नहीं मौलाना, मैं तुम्हारे सामने, मेरी भी विचारधारा, मेरी भी पार्टी है, मेरी भी वोट बैंक है, मैं लड़ता था। लेकिन वो पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, तो खौफ क्यों असेंबली का था, क्यों डर था, ये भी सवाल है। अरे पार्लियामेंट में भेजते, वहां पे कौम की नुमाइंदगी करते, शरीयत में जो मुदाखलत भारतीय जनता पार्टी कर रही,
उसको रोकने का काम करते, आवाज उठाने का काम। दो भाई खलीफा जैसे फिक्सिंग नहीं करते मैच फिक्सिंग, ईमानदारी से, तकवे से, आग में आग डाल के बात करते, और इन पे ईडी की कार्रवाई भी नहीं होती क्योंकि इनके पास माल भी नहीं। लेकिन मैं बोला ना कि जाति मुफाद हावी रहा, जाति मुफाद, बिस्सी नहीं उड़ेगी। मौलाना रहते तो बिस्सी नहीं मिलती। और हमने तो बोला था ना, तन मन धन सब लगा देंगे। अब कौम के लिए अगर हम कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, तो मेरा शहर की आवाम से सवाल है कि दूसरी पार्टी के लोग क्यों कुर्बानी देने तैयार नहीं थे? ये क्यों नहीं सोचा जा रहा है कि ये क्यों अखबारात के अंदर इस पर तबसरा नहीं किया जा रहा है? क्यों घर के अंदर बैठ के जो राइटिंग में लिखते वो ये बात क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्यों सोशल मीडिया के ऊपर इस पर तबसरा नहीं हो रहा है? तो बिस्सी का मसला है, बिस्सी बिस्सी अगर खत्म हो जाएगी। पिछले अमीर तरीन शख्स थे अमरीश भाई पटेल, मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, अमरीश भाई पटेल से जाके पूछ लेना, दो इलेक्शन अमरीश भाई पटेल का शेख रशीद साहब की क्यादत में लड़े, कोई पार्टी फंड नहीं लिया हमने, सिर्फ जो इलेक्शन लड़ने जो अखराजात लगते जमीनी वर्करों के लिए वही लिए। और अल्लाह का करम है कि शेख रशीद साहब भी हयात थे, उन्होंने भी अपनी जेब में हाथ डाल के अपना लगाया, और उस वक्त कुणाल पाटिल के लिए भी हमने हाथ हमारे जेब से निकाला। अल्लाह का करम है, कोई बोल नहीं सकता कि हमने पार्टी फंड लिया। इसलिए एकदम रुबाब से बात करते, झुक के बात नहीं करते। शहर के अंदर क्या कितना भी बड़ा लीडर आ जाए, कितना भी प्रेशर आ जाए, इसके लिए कि साफ सुथरे हैं, कुछ तो भी खिचड़ी शहर में पक रही। क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ तो भी शहर में खिचड़ी पक रही है। दो दिन के अंदर हो सकता है जो खिचड़ी पक जाएगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो दाल खिचड़ी थी, कि वो सब्जी खिचड़ी थी, कि वो मटन खिचड़ी, पता चलेगा। कोई भी तो खिचड़ी बाहर हल जरूर पक रही है, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। लेकिन हमारा ठीक है, ये सियासी शहर के अंदर मुझे जो तबसरा करना था, जो बात बोलनी थी, मैं तफसील बोल रहा हूं, गणित बता रहा हूं। लेकिन आखिरी इलेक्शन होगा, याद रखना, धुलिया और मालेगांव जो आज मिला हुआ है ना, ये आखिरी इलेक्शन होगा। और डिमिलिटेशन जब होगा तो धुलिया और मालेगांव को तोड़ दिया जाएगा, ये जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मेरी बात को लिख कर रखना, आप चांस नहीं मिलने वाले। ठीक है, हमारे लिए तो और मैदान है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, हारे या जीते, हम तो मैदान में ही है। फिर 6 महीने बाद हमारी किस्मत आजमा लेंगे, फिर मैदान में कूद जाएंगे। लेकिन आज जरूरत थी कि शहर एक जगह आता, जरूरत थी कि दीनी तंजीमें इसके अंदर पहल करती, जरूरत थी कि शहर के बाशऊर लोग इसके अंदर पहल करते और एक प्लेटफार्म आते और उसके ऊपर तबसरा करते। लेकिन मौसम और गिरना के पार तो अपन कभी सोचते ही नहीं, तब इधर ही सोच लेते, यहीं बैठ के तबसरे हो जाते। ऐसा नहीं है, हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा। सब फिरका परस्त होते ऐसा नहीं है, अगर सब फिरका परस्त होते तो चाहे 2014 का पार्लियामेंट का चुनाव, चाहे 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव का अगर वोट परसेंटेज आप अगर देखोगे निकाल के पूरे मुल्क का, तो अपोजिशन के अंदर जो वोट पड़ा है वो 63% पड़ा है, 63% पड़ा है 2014 में। लेकिन वोट के बंटवारे के वजह से सत्ता में भाजपा आई,
और 2019 के अंदर भी ज्यादा वोट परसेंटेज अपोजिशन को पड़ा है। ये सब सेकुलर लोग है, संविधान को मानने वाले लोग है, इसके लिए आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो नजरिया ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी अगर हिंदू भाई है तो फिरका परस्त, ऐसा नहीं है। वो सेकुलरिज्म अगर आज ये देश खड़ा है मजबूती के साथ खड़ा है तो गंगा जमुना तहजीब के साथ खड़ा हुआ है। वो गंगा जमुना तहजीब अभी बरकरार है, इसलिए इंडिया अलायंस बना। तो सोच बदलना पड़ेगा, उसके बगैर हम सियासत नहीं कर सकते, उसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम हमारी कौम का फायदा नहीं सोच सकते। बहरहाल मैं आज इस बात का ऐलान करता हूं कि जो मैं उम्मीदवारी करना चाहता था पार्लियामेंट की, मैं आज मेरी उम्मीदवारी, मेरी ख्वाहिश मैं वापस लेता हूं, मैं पार्लियामेंट की उम्मीदवारी नहीं करूंगा। लेकिन अगर शहर के तमाम ही सियासी पार्टी के लोग, शहर की दीनी तंजीमें अगर चाहती है कि शेख आसिफ उम्मीदवारी करे, तो दो दिन वीर और मंगल तक मैं इंतजार करूंगा, और अगर वो बोलेंगे तो फिर आप शहर की आवाम एक साथ एक प्लेटफार्म पे आए, इंशाल्लाह ये भाजप को टक्कर देने की ताकत सिर्फ हमारे शहर के अंदर है, हमारे तालुके के अंदर है, हिंदू मुस्लिम एकता के अंदर है। ये बात का आज मैं ऐलान करता हूं। लेकिन अभी वापस उम्मीदवारी मांगा, आज हम इंडिया अलायंस में हूं, अगर मैं बंडखोरी करता तो मुझे अकाला जाता, निकाला जाता, कार्रवाई होती, अभी तो हूं ना। लेकिन आज मैं उम्मीदवारी मांगर दे रहा हूं, लेकिन हमारी ये पार्टी मीटिंग के अंदर मुझे हक है कि हमारी इंडिया अलायंस की उम्मीदवार जो आज है, वह हम मुसलमानों को ये ना समझे कि हमारी मजबूरी है। अगर हमारे मंच शेयर नहीं होगी या इलेक्शन खड़ा नहीं होगा, जो जो भी है, समाजवादी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, आप पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, जो भी पार्टी अलायंस है, कब इलेक्शन उठेगा, कब खड़ा होगा, ये मीडिया भी पूछ रही, आवाम भी पूछ रही, ऐसा नहीं है। आज तो हमने शुरुआत की, अभी तायरा मैडम साहिबा ने बताया कि 7 तारीख को, पहले जो 3 तारीख को गांधीनगर के अंदर जलसा है, 3 आने वाले जुमा को गांधीनगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गट का, हमारी पार्टी का वहां पर जलसा है। हमने शुरुआत कर दी, अब कोई आए ना आए, कुछ बोले ना बोले, हमको संविधान बचाना है, हमारी तैयारी शुरू। 7 तारीख को डायमंड लॉन्च में महिलाओं का, लेडीज का मेला हुआ है। मैं तमाम ही हमारे जिम्मेदार एक्स कारपोरेटर, साबिक कारपोरेटर, जिम्मेदार सबसे बोलूंगा कि महिला विंग आप तक पहुंच रही है, अपनी हार्ड लेडीज वर्करों को भेजो ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके। 12 बजे डायमंड लॉन्च आगरा रोड पर। उसके बाद 10 मई को शिकारी चौक सर्वे नंबर 57 में जलसा होगा हमारा। उसके बाद 17 मई हो सकता प्रचार का लास्ट दिन रहे, मुशायरा चौक पर जलसा होगा, हमने परमिशन मांगा है। 3 जलसा और फिर अलग रिक्शा अलग घूमेंगी, कॉर्नर मीटिंग अलग होगी, वो तमाम ही चीजें आपको वक्त वक्त पे बताई जाएगी, हमने शुरुआत कर दी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस मंच से इंडिया गाड़ी की एक घटक पक्ष होने के लिए, साथ में हम साथ हैं इसके लिए, मैं अध्यक्ष हूं शहर का इसके लिए, हमारी कैंडिडेट से कि आइए, हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया, हम ये तैयारी में, आपने यादी नहीं भेजा लेकिन हमने यादी लाया, उम्मीदवार की यादी नहीं आई, हमने हमारे शहर की यादी हमने मंगवा ली, उसका 3 शेड बनाने दे दिया, हम हमारे वर्करों को, हमारे जिम्मेदारों को दे के स्टडी पे लगा देंगे, वक्त तो बहुत कम है। लेकिन आइए चर्चा करिए, कैसे भाजपा को हरा सकते, कैसे वोट परसेंटेज बढ़ेगा, कैसे टीम वर्क खड़े होगा, कैसे सभाएं होंगी, कैसे रैली निकलेंगी, कैसे प्रचार होगा, हम भी सलाह मशवरा करने के लिए तैयार है।
लेकिन अगर उसके बावजूद भी हमारी उम्मीदवार इंडिया अलायंस की जो आज है, अगर वो बोलेंगे नहीं आपको इसी वोट देना है, तो हम हमारे वर्करों को बुलाएंगे, बोलेंगे भैया और शहर की आवाम बोलेंगे वोट दे दो, मजबूर लोग हैं दे देंगे। बहरहाल रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम यह वाद नहीं चाहते, हम इख्तलाफ नहीं चाहते, हम आपको एक अदना ये देश का शहरी होने के नाते, भाजपा के खिलाफ होने के नाते हम सलाह दे रहे हैं, यही मेरा आज उनको मशवरा रहेगा। लेकिन अब अगर चर्चाएं होगी, नॉमिनेशन होगा, उसके बाद कौन कौन मैदान में आता, फिर अब 3 तारीख को बाकी की बातें मैं वहां पर खुलकर बोलूंगा, फिर उसके बाद वोट मांगूंगा। आज मैं वोट नहीं मांग रहा हूं किसी उम्मीदवार के लिए, क्या बोल रहा हूं, आज नहीं वोट मांग रहा हूं, क्योंकि कानूनी प्रोसीजर चल रहा है, उम्मीदवार कौन है, सारी चीजें तकसीम कौन सी निशानी, ये भी मेरे को निशानी भी नहीं मालूम है उम्मीदवारों की, तो वोट मांगूंगा, लेकिन 3 तारीख के जलसे से।